और इस बीच जबलपुर से अहम खबर, जहां देर रात जबलपुर पहुंचे पूर्व बस्ती एम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। बरगी में महिलाएं और बच्चियों से मिलकर आंखें नम हो गईं। पार्टी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने जोरदार उनका स्वागत सत्कार किया, तो मंच से महिलाओं को संबोधित कर कहा, मैं तो आपका भाई और मामा हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जबलपुर पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, महिलाओं के साथ मिलकर उनकी आंखें नम हो गई। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि नए मुख्यमंत्री के साथ नेतृत्व की राह आगे बढ़ेगी। तो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी उन्होंने की। इसके बाद रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो स्वागत सत्कार देखिए किस तरह से महिलाओं ने उनका किया है। महिलाओं को संबोधित कर वो कहते हुए नजर आए हैं कि मैं तो आपका भाई और मामा हूं, हमेशा आपके साथ हूं। मामा जी जिंदाबाद। देखो मामा का रिश्ता प्यार का रिश्ता है, और बहनों भाई का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। मैं ये प्यार और विश्वास का रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इसके पहले भी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जहां जहां भी जा रहे हैं महिलाओं और बच्चियों के बीच, इस तरह से कई महिलाएं भावुक भी हो गई थी, और खुद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भावुक होते हुए दिखाई दिए। देखो मामा का रिश्ता